नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे अपने एब्स को ट्रेन, अपर लोअर एंड मिडिल। तो अब एब्स को ट्रेन करने के लिए मैं आपको बस खाली आज तीन एक्सरसाइज बताऊंगा, और तीन एक्सरसाइज में आप अपने एब्स को घर पे ही ट्रेन कर सकते हो। आपको जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे कह दूँ कि 10 दिन में आपके एब्स बन जाएंगे या 20 दिन में आपके एब्स बन जाएंगे। भाई नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको एक तो डाइट प्लान फॉलो करना होगा, दूसरा डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो करना होगा। 2.5 से 3 महीने लगते हैं एब्स बनने में। कोई भी आपको कह दे कि 5 दिन में 20 दिन में दिन में 5 बार एब्स एक्सरसाइज करें तो आपके एब्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी, ऊपर से आपको 48 घंटे में एक एक्सरसाइज को रिपीट करना होगा, ना कि ऐसा होगा कि डेली आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी होगी। आपको एब्स को एक दिन ट्रेन करना होगा, एक दिन लव हैंडल को ट्रेन करना होगा। जब तक आपके लव हैंडल ट्रेन नहीं होंगे तब तक आपके प्रॉपर एब्स नहीं आएंगे। चाहे आपसे कोई भी कुछ भी कहे, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी एब्स की और लव हैंडल की एक्सरसाइज बताऊंगा, बट आज आपको वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको तीन ही एक्सरसाइज बताऊंगा। इनको मैं 3-4 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ एब्स वर्कआउट में। पहले वैसे ही ये 1 साल से ट्रेंड है, 1 साल से मेरे अंडर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्होंने 10 से 11 हज़ार पुशअप्स लगाते हैं, ये नॉन स्टॉप, पहले वन वाली ट्रेंड नहीं, पुशअप्स लगाते हैं और वो भी नॉन स्टॉप लगाते हैं। अभी इनके 3 से 4 महीने से एब्स की एक्सरसाइज चल रही है, वो भी बहुत लाइट वे में, तब भी इनके एब्स प्रॉपर आ चुके हैं। दिखाएं एब्स, दिखाएं, ठीक है। अब भाइयों अभी मैं आपको एब्स की एक्सरसाइज करा के दिखाता हूँ। 3 एक्सरसाइज करेंगे हम। ये होगी एक हाफ क्रंचेज। हाफ क्रंचेज में, चलो हाफ क्रंचेज में जो भी आप एक्सरसाइज करें, किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करें, उसमें आपको नेगेटिव मूवमेंट आपका हमेशा स्लो होना चाहिए, और जल्दबाजी किसी भी चीज की ना करें। आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है बहुत स्लो करनी है, और नेगेटिव मूवमेंट सभी में स्लो जाना है। क्यों जाना है? एक तो आपको क्रैम्प होने का खतरा रहता है, ऊपर से क्रैम्प आ जाएगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाता है उसे सही करने में। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन का भी नहीं पता रहता और उल्टी सीधी मेडिसिन भी खाते रहते हैं, फिर और एक्सरसाइज करते हैं और करते रहते हैं तो और ज़्यादा क्रैम्प बढ़ता ही जाता है। इसलिए नेगेटिव मोमेंट स्लो होना चाहिए आपका, और पूरा इसमें नीचे नहीं जाना हाफ क्रंचेज। इसके बाद आपको करना है साइड लेग रेज। साइड लेग रेज करके दिखाओ। इसमें बोथ लेग को कवर करेंगे और इसमें साइड लेग रेज हमारा, ये लोअर एब्स के लिए होगी। इसके बाद करेंगे हम लेग रेज करके दिखाओ। लेग रेज में आपको करो हल्के से नी बैंड रखने होंगे। कोई आपसे कहता है एकदम पैर सीधे रखो, सीधे नहीं रखने इसमें भाइयों, आपको हल्के से नी बैंड रखने पड़ेंगे और नेगेटिव मोमेंट आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज करें उसमें नेगेटिव मोमेंट आपका स्लो होना चाहिए। आपको किस फिटनेस से रिलेटिव कोई किसी भी एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, मुझे आप कमेंट करें और कुछ भी पूछें फ्री। और जैसे मैंने इनको ट्रेंड किया है, ऐसे कई लड़के हैं मेरे अंडर में, मैं उनको ट्रेंड कर रहा हूँ, तो आप किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है भाइयों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।